हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम से। किससे? पीजीडीसीए फर्स्ट सेम से है, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट से। एमएस एक्सेस सब्जेक्ट में जो आपकी यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, उनसे मैं आपको हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। और जो आज का आपका DCA सेकेंड सेमेस्टर का IIT10 का पेपर था, तो उसमें भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे इस जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें भी आपके MS Excel सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। दोस्तों, यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है पहला। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 1 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन है रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के लाभ भी बताना है आपके। इसके लाभ बताइए, ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन लिखना है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो डेटाबेस होता है हमारा, क्या होता है डेटाबेस, वो विभिन्न प्रकार के रिकॉर्डों का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके किसी सॉफ्टवेयर में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, ठीक। अब डेटाबेस में हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, कि जब हम एमएस एक्सेस में दो टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं, दो टेबल बनाते हैं और दोनों टेबल के मध्य यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशनशिप करने के लिए आपको एक कॉमन फील्ड होना आवश्यक है। जैसे यहाँ मैंने रोल नंबर ये दोनों यहाँ पर कॉमन फील्ड रख लिया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बनाने के बाद हम इन दोनों टेबलों में से एक डेटा क्या है, यहाँ पर क्यूरी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। मतलब रिलेशनशिप करने के बाद जो हमारा डेटा निकलता है वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है, ठीक। तो इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, इसी यूनिट से है कि फर्स्ट यूनिट से एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको विस्तार से बताना है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस के जो भाग होते हैं, तो एमएस एक्सेस में हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और क्यूरी बनाते हैं, ये आपके मेन चार भाग होते हैं। तो इनकी आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब मैक्रो भी होता है आपका और मॉड्यूल भी होता है, तो आपके 6 भाग होते हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चन हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, एमएस एक्सेस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, का विस्तार से वर्णन कीजिए, दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आरडीबीएमएस में इसका पूरा नाम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को बनाते हैं, मतलब दो टेबलों के मध्य हम क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें से डेटा को निकाल करके हम क्या कर लेते हैं, अलग स्टोर कर लेते हैं, जैसे क्यूरी के द्वारा कर लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। अब दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप बनाने के बाद दो टेबलों में रिलेशनशिप बनाया, अधिक भी टेबल हो सकती है,
उसमें से ठीक है, अब वो काम जो हम कर रहे हैं ठीक है कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक, मतलब रिलेशनल डेटाबेस बनाने का काम हम कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारा एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से आपका, कि निम्न को समझाइए। ठीक, पहला है आपका प्राइमरी की। ठीक, दूसरा है आपका यहाँ पर फॉरेन की। ठीक, तीसरा है आपका इंटीग्रिटी रूल्स। इंटीग्रिटी रूल्स। ठीक, तो आपको प्राइमरी की के बारे में बताना है और फॉरेन की के बारे में और इंटीग्रिटी रूल्स के बारे में बताना है। प्राइमरी की का वीडियो भी मिल जाएगा हमारा, फॉरेन की का और इंटीग्रिटी रूल्स का भी वीडियो मिल जाएगा एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में। ठीक, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के आपके ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जो आते हैं। ठीक, अब हमारा जो यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एमएस एक्सेस में टेबल के फील्ड के लिए कौन कौन से डेटा टाइप हैं, ठीक वो बताना है। एमएस एक्सेस में टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए है, क्या मैं प्रत्येक फील्ड के लिए डेटा टाइप को समझाइए। ठीक, तो दोस्तों जब हम एमएस एक्सेस में कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, यहाँ पर डीओ भी लिख दिया, तो ये जो है हमारा यहाँ पर जो मेन हेडिंग रहता है ये हमारा फील्ड रहता है जिसमें हम एक ही तरह का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हम इसमें नेम भरेंगे लेकिन टेस्ट वाला डेटा भरेंगे, तो दोस्तों फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड में हम किस तरह का डेटा भर रहे हैं ठीक है वो क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। जैसे आपका जाएगा यहाँ पर टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि आप जैसे नेम फील्ड ले रहे हैं तो नेम में क्या भरोगे, टेस्ट भरोगे ठीक है। और यहाँ पे 50 करेक्टर से 255 करेक्टर तक आप एक सेल में डेटा भर सकते हो टेबल के, किसमें डेटा टाइप कौन सा रहेगा आपका, टेस्ट। इसके बाद जैसे आपका मेमो आ जाता है तो आपको 255 करेक्टर से ज्यादा लिखना है, जैसे एक पैराग्राफ लिखना है ठीक है, तो वहां पे हम डेटा टाइप किसका यूज करेंगे, मेमो का। ठीक, ऐसे आ जाएगा करेंसी, डेट, नंबर, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब में एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर, फ्रीज कॉलम का क्या उद्देश्य है, फ्रीज कॉलम का क्या उद्देश्य है, ठीक बताइए। दो कॉलमों को फ्रीज कैसे किया जाता है, दो कॉलम्स को फ्रीज कैसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये बताना है दोस्तों आपको कि एमएस एक्सेस में जो हमारी टेबल होती है उसमें यदि हमको किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे यहाँ पर ये दो कॉलम है, क्या है ये दो कॉलम है यहाँ पर, तो ये दो कॉलम क्या यहीं पर रहें, बाकी के जो कॉलम हमारे लेफ्ट और राइट में मूव हो जाएं। ठीक है, जैसे हमारा बड़ा डेटा रहता है तो हम ये दो कॉलम क्या है, डेटा को लेफ्ट में खिसकाएं, तो ये दो कॉलम अपनी जगह में रहे
और राइट में खिसका है तो ये अपनी जगह में रहे, तो उसके लिए हमको किसका यूज करना होता है, फ्रीज कॉलम का, यही इसका उद्देश्य होता है। अब दो कॉलम को फ्रीज करने की जो प्रक्रिया है वो लिखना है, तो दोनों को आपको क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा और उसमें आपको फ्रीज कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो आपके कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। ठीक, अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा यूनिट नंबर 2 से ही है, तो आपका जाएगा यहाँ पर निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए। ठीक, पहला आपका है दोस्तों सॉर्टिंग रिकॉर्ड, सॉर्टिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड, और दूसरा आ जाएगा आपका फाइंड ऑब्लिक रिप्लेस, रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस को बताना है और सॉर्टिंग रिकॉर्ड को बताना है। ठीक है, इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। सॉर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे नंबर वाला डेटा है तो ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हो, जेड टू ए, और यदि आपका टेस्ट वाला डेटा है तो आप ए टू जेड सॉर्ट करोगे या जेड टू ए, और नंबर वाला है तो आप क्या करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटते और बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब हमारा दूसरी यूनिट का जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक, चौथा क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में टेबल की फील्ड, टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी क्या करना है, टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज को समझाइए। ठीक, तो दोस्तों जब हम एमएस एक्सेस में टेबल डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, टेबल डिजाइन या हम क्या करते हैं, फील्ड का नाम लिखते हैं और डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे आपको टेबल की फील्ड और प्रॉपर्टी खुलती है। जैसे आपका यहाँ पर जाएगा फील्ड है, आपका क्या जाएगा, फील्ड नेम आ जाएगा, ठीक है, और फील्ड डाटा आ जाएगा, वैलिडेशन रूल्स आ जाएगा, आपके ये सारे हमारी फील्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि मैं आपको यूनिट 1 का क्वेश्चन रख कर सकूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यूनिट 1 का क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ रफ, और आते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। इसमें आते हैं यूनिट नंबर 3 में क्या है आपका, यूनिट नंबर 3 में, ठीक, तो यूनिट नंबर 3 में आपको पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे खोजोगे, एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे खोजोगे, कैसे खोजोगे। तो दोस्तों टेबल बनाने के बाद हमको, जैसे हमारे टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, मतलब कोई डेटा डबल लिख गया है, कोई रिकॉर्ड डबल है, तो आप उसको कैसे खोजोगे, तो दोस्तों आप क्वेरी के द्वारा फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी के द्वारा आप उस रिकॉर्ड को खोज सकते हो। ठीक है, इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इनर ज्वाइन, ठीक है, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। ठीक दोस्तों, इसका वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको एमएस एक्सेस की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। इनर ज्वाइन क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, एक ही टेबल से क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या कहलाता है, जब हम कोई डेटा दो या दो से अधिक टेबल में रिलेशनशिप करके उस डेटा को बाहर निकालते हैं तो आउटर ज्वाइन कहलाएगा,
और दो या दो से अधिक टेबल, मतलब हम जैसे तीन टेबल टेबल में रिलेशनशिप की है और उसमें से डेटा को निकालना चाहते हैं तो वो क्रॉस ज्वाइन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरी यूनिट से क्या है, एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से, एमएस एक्सेस में विजार्ड 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 की सहायता से क्यूरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्यूरी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको जैसे आप एक टेबल बना लिए, दो टेबल बना लिए, उसमें से कोई डेटा आप निकालना चाहते हैं, मतलब दूसरी टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, क्यूरी चला सकते हो। तो क्यूरी चलाना है लेकिन किससे, क्यूरी विजार्ड से। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस ओपन कर लेना है और टेबल ओपन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी बनाने के लिए क्रिएट मेन्यू में जाना है आपको, एमएस एक्सेस की क्रिएट टैब में जाना है और वहाँ पे आपको क्यूरी विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करना है, टेबल सिलेक्ट करना है, टेबल के फील्ड को सिलेक्ट करना है, आगे नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है और लास्ट में फिनिश में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन है आपका, एक्सेस में एक्शन क्यूरी, एक्सेस में एक्शन क्यूरी के प्रकार क्या हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्शन क्यूरी में आपका मेक क्यूरी है, मेक आ जाएगा, अपेंड आ जाएगा, डिलीट, इनके बारे में आपको चार प्रकार की क्यूरी है, चारों को लिखना है। ठीक, अब जो अगला यूनिट है हमारा यहाँ पर 4 नंबर का यूनिट, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट नंबर फोर का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्या जाएगा, यूनिट नंबर 4 में आपको सबसे पहले पढ़ना फॉर्म डिजाइन करने के लिए फॉर्म डिजाइन करने के लिए कोई पांच कंट्रोल को समझाइए। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सेस में फॉर्म डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट कंट्रोल मिल जाएगा, तो ऐसे आपको पांच कंट्रोल के बारे में यहाँ पे नाम लिखना है और उनकी डेफिनेशन देना है कि इससे क्या होता है। ठीक, अब यूनिट नंबर 4 का जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो है आपका दोस्तों, एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक तो दोस्तों, एमएस एक्सेस में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और कौन सी विधि से बताना है, विजार्ड विधि से बताना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं जाना है, किसे, फॉर्म विजार्ड से बताना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न को समझाइए। ठीक, क्या समझाना है आपको दोस्तों यहाँ पर, लेबल, दूसरा आपका आ जाएगा टॉगल बटन। ठीक, और आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें
ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप। और चौथा पॉइंट है आपका दोस्तों यहां पर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, ठीक। ये अब आपको चौथा क्वेश्चन आ जाएगा चौथी यूनिट से, ठीक है। वो है क्या है, आप एक फॉर्म में, आप एक फॉर्म में, एक फॉर्म में हेडर तथा फुटर, हेडर तथा फुटर को कैसे जोड़ेंगे, को कैसे जोड़ेंगे, ठीक। तो आपको फॉर्म बनाने के बाद उसमें एक हेडर लगाना है और फुटर लगाना है, कैसे लगाते हैं ये आपको स्टेप सहित बताना है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। यूनिट नंबर 5 से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आते हैं यूनिट नंबर 5 में, ठीक। यूनिट नंबर 5 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसका, यूनिट नंबर 5 में, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका समूह या सारांश, समूह या सारांश, ठीक। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, आप इसका निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। निर्माण कैसे करेंगे, आपको रिपोर्ट का निर्माण कैसे करेंगे ये भी बताना है आपको, करोगे, ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, क्वेरी निकाल लो आप, उसमें से रिपोर्ट क्राइटेरिया होता है कि जब हमको फाइनल रिपोर्ट को प्रिंट करना होता है कागज में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, रिपोर्ट, सॉरी, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, रिपोर्ट को, रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक। तो रिपोर्ट को तैयार करने की चार प्रकार की विधि होती है, आपको वो चारों को वहां पर समझाना है, लिखना है उनके बारे में, ठीक। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड से रिपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड से, रिपोर्ट विजार्ड से रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, लेकिन रिपोर्ट विजार्ड से बताना है आपको, ठीक है, ये रहेगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर, एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस में, एक्सेस में, सॉरी, एमएस एक्सेस के लिखना है, के प्रीव्यू, प्रीव्यू रिपोर्ट एवं प्रिंट रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन के बीच, ऑप्शन के बीच अंतर स्पष्ट करना है, के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट
कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एम एस एक्सेस के यूनिट्स नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे क्लियर करा दिया, विद उनको एक्सप्लेन करा कि कैसे लिखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।